एक तरह का ये इंडिविजुअल एफर्ट्स है, हर एक वोट काउंट होता है। नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अभी मैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के 117, 18, 19 नंबर बूथ पे आया हूं और यहां पे मैं देखता हूं कि यहां की जो स्थानीय जनता है ये वोटिंग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या सुविधा है। यहां कर दिया मतदान? जी हाँ, मतदान कर दिया। कैसा लग रहा है? ठीक है, बस धूप ज्यादा है, लेकिन मतदान करना पहले जरूरी था तो पहले मतदान किए हैं, तब जलपान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कितने लोग हैं ऐसे पूछते हैं कि ये अभी मतलब यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ तो हम लोग मतदान करने के लिए आए हुए हैं। ये तो वोटिंग कर दिए? हाँ हाँ, वोटिंग कर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बढ़िया है। यहाँ पे जो वोटिंग करने के लिए कैसा व्यवस्था था? व्यवस्था ठीक है, दुरुस्त चाक चौबंद है। ठीक है, काफी धूप है लेकिन फिर भी आप लोग वोटिंग करने के लिए निकल गए? क्या जो है, अपना नेता को तो चुनने के लिए आना ही पड़ेगा ना। आपने मतदान किया? हाँ जी, मैंने किया। ये पहली बार है या फिर इसके पहले कर चुके हैं? नहीं, ये मेरी दूसरी बार है। आप बहुत खुश लग रहे हैं मतदान करके? जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। आफ्टर ऑल मतलब देश के विकास के लिए अगर हर इंडिविजुअल को मौका मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक तरह का ये इंडिविजुअल एफर्ट्स है, हर एक वोट काउंट होता है। जो हम जितने भी पॉपुलेशन है इस कंट्री के, हर किसी का इंडिविजुअल राइट है कि वो वोट करे, और जो भी हम नेता चुनते हैं उसके लिए ये हमारा एक तरह का इलेक्शन है। सो वी शुड, हर किसी को ये करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शुक्रिया। आप लोग कहाँ आए? वोट गिराने आए। वोट गिरा दिए? हाँ, गिरा दिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कैसा था व्यवस्था वगैरह? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत शांति, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वोट जो गिरा है किस चीज के लिए गिरा है? वोट गिरा है अब किस चीज के लिए गिरा है? अब तो हाँ, देश को ये करने के लिए, बनाने के लिए बना गिरा है। क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ है? वोट गिराने आए हैं। गिरा दिए वोट? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है आपका? वंदना सिंह। और भी सर है यहाँ पे, इनसे ही पूछते हैं। सर, आपने वोटिंग कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा मतदान करने में। ये आपको जो है पूर्णिया जनता चौका मध्य विद्यालय पूर्णिया कोर्ट का बूथ नंबर 117, 18, 19, इसमें आपने वोटिंग किया, कैसा व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छा व्यवस्था रहा, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान हो रही है और बहुत अच्छा है। तो आपने जो वोटिंग किया किस चीज? हमने अपनी सरकार के लिए किया है, सरकार गठन करने के लिए किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? त्रिलोक कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यहीं के हैं। मतदान कर दिए? मतदान कर दिए। चलिए ठीक है, तो इतना कड़ी धूप में गए मतदान करने के लिए? हाँ, मतदान किए, मगर मतदान के वहाँ व्यवस्था जो है नहीं है। अच्छा। जो बोला गया था कि पानी की व्यवस्था रहेगा, बोला सटरी रहेगा, वो सब का व्यवस्था कुछ नहीं है। कड़ी धूप में मैंने सबको खड़ा होना पड़ता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, वोट दे करके बढ़िया लगा। तो वोटिंग जो आप किए किस चीज के लिए किए? अच्छा सरकार बने, देश अच्छा चलाए। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार दास उर्फ बबुल दास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आ रहे हैं? मतदान करके आए हैं। तो कर दिए वोटिंग? हाँ। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो किस चीज के लिए वोट किया आप? अच्छा सरकार बने, बढ़िया से देश चले, इसलिए वोटिंग किए। इतना सवेरे सवेरे वोट मतदान करने के लिए गए, रास्ता पानी वगैरह किए? कुछ नहीं किए, सिर्फ वोटिंग के लिए ही गए थे, अभी तक कुछ नहीं किए, खाना कुछ नहीं खाया। तो देश के लिए जो है मतदान किए किस चीज के लिए? देश बढ़िया चले, अच्छा चले देश, अच्छा विकसित देश हो, इसलिए दिए। क्या नाम है आपका? कर्नल कुमार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मतदान कर लिए? हाँ, मतदान कर लिए हैं। जैसा भी हो वहाँ तो अच्छा ही चल रहा है, जैसे वोटिंग तो अच्छा चल रहा है, सब चीज बढ़िया हो रहा है। अब आगे देखा जाए क्या होता है, उसके बाद की बात है, बताया जाएगा उसके बाद। आप लोग खाना वाना खाए कि नहीं? नहीं, खाना पीना तो नहीं है, पहले तो वोटिंग जरूरी है, जो करना जरूरी है सबसे पहले। पहले मतदान फिर जलता। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वोटिंग होना जरूरी था क्योंकि हमारे सरकार के लिए बहुत अच्छा वाली बात है। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो वोटिंग जो किए वो किस चीज के लिए किए? पूर्णिया नशा मुक्त हो, चैन छिनतई बंद हो, मोबाइल छिनतई बंद हो, घर में दोपहर जो डकैती हो जा रहा है वो बंद हो, इस पर वोट किए। ठीक है, क्या नाम आपका? शैलेश कुमार श्रीवास्तव। आपने वोटिंग किया? जी, हमने कर दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
ये जो वोटिंग किए तो आप क्यों किए? क्योंकि भाई नशा मुक्ति बंद हो, चोरी छिपटी चेन छिनतई ये सब सारा बंद हो, उस वजह से हमने ये वोटिंग किया हुआ है और हमारे एक अच्छे से नेता उभर के आए। अच्छा, आप लोग वोटिंग जो करने गए यहाँ कैसा व्यवस्था था? अच्छा व्यवस्था रहा। नहीं, व्यवस्था तो कभी है पिछली सड़क, ये जो पानी वानी का व्यवस्था होना चाहिए था और टेंट का व्यवस्था बोला गया था, ऐसा कुछ नहीं जिससे कि वोटिंग परसेंटेज भी कम होने की उम्मीद है। आप गर्मी देख ले देख रहे हैं आप क्या स्थिति है, और तीनों बूथ है यहाँ पर वोट कितना कम हो रहा है, और धूप जैसे जैसे बढ़ेगा और पोलिंग कम हो जाएगा। अभी एक आदमी और भी है यहाँ पे जो इनसे लेते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आइए, आपने वोटिंग कर दिया सर क्या? हाँ, वोट गिरा दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो आपने जो चुनाव जो वोटिंग जो किया लोकसभा चुनाव में, ये क्यों किए, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बदलाव हो, इसीलिए हम लोग वोटिंग किए। और बदलाव इस बार हो के रहेगा जी। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। मतदान कर दिया सर? हाँ सर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा। मतदान जो किए किस चीज़ के लिए किए? अपना हक के लिए, अपना इसके लिए, जो मतलब जनता जो जनता का सेवा करे, लोग जो बढ़िया कैंडिडेट हो उसके चुने हैं, हम बढ़िया होना चाहिए अपना। वोटिंग जो करने के लिए गए यहाँ कैसा व्यवस्था था? बढ़िया था। क्या नाम है आपका? गोकुल राणा। या और भी लोग हैं यहाँ, इनसे ही पूछते हैं। आपने सर मतदान कर दिया? मतदान कर दिया। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा अधिकार है, राष्ट्रीय पर्व है, इसे करना चाहिए हर लोगों को, इस पे बढ़ चढ़ के भागीदारी लेनी चाहिए। शांतिपूर्ण मतदान हो, शांतिपूर्ण से करे, अपना मत अपना अधिकार अपना मन, जिसे भी करे सोच समझ के करे, लेकिन मतदान जरूर करे। मतदान करना हमारा अधिकार भी है और फर्ज भी है, इसलिए मतदान करना चाहिए और मतदान करने के लिए जागरूक भी करना चाहिए। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है जो नहीं जा सक रहा है, आप उसे मदद करें, उसको ले अपनी गाड़ी पर ले, प्रशासन इसके लिए नहीं रोकती है, अपनी गाड़ी पर ले जाके अगर आपका बूथ दूर है तो वहाँ जाएं और मतदान करें, और इसमें प्रशासन का भी सहयोग करें, मतदान करने पर जागरूक भी करें। मतदान से चुके नहीं, ऐसे अपने राष्ट्रीय पर्व के जैसा मनाए, नहाए धोए खाए, अच्छा से इंजॉय करें, शांतिपूर्ण मतदान करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूर्णिया के लोगों को भी जागृत किया। आपका सर क्या नाम हो? मेरा नाम पप्पू हुआ, मैं गुमटी नंबर 3 का निवासी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मतदान करें और मतदान में जो है सहयोग भी करें। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर जो लोग नहीं जा सकते हैं किसी कारण से, बूथ दूर है और उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी पर उनको बैठाए और उनको ले जाके मतदान कराए, ये आपके लिए और देश के लिए अच्छा बात है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 न्यूज़ से पूर्णिया से मैं रोहित।